लिबर ऑफिस राइटर में इंसर्टिंग इमेजेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्नलिखित सीखेंगे। डॉक्यूमेंट में एक इमेज फाइल प्रविष्ट करना, राइटर में टेबल्स प्रविष्ट करना, राइटर में हाइपरलिंक्स प्रविष्ट करना। यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जेएनयू लिनक्स का उपयोग कर रहे हैं और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4। हम लिबर ऑफिस राइटर में एक इमेज फाइल कैसे प्रविष्ट करते हैं इससे शुरू करेंगे। चलिए अपनी resume.odt फाइल ओपन करते हैं। डॉक्यूमेंट में एक इमेज प्रविष्ट करने के लिए पहले resume.odt डॉक्यूमेंट के अंदर क्लिक करें। अब मेन्यू बार में इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर पिक्चर पर क्लिक करें और आखिर में फ्रॉम फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि एक इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। अब आप लोकेशन फील्ड में फाइल का नाम लिखकर इमेज चुन सकते हैं, यदि आपने इसे अपने सिस्टम में सेव किया है। चूंकि हमने एक भी सेव नहीं की है, हम ऑप्शंस में से इमेज को प्रविष्ट करेंगे जो डिफॉल्ट रूप से प्रदान की जाती हैं। अतः डायलॉग बॉक्स के बाएं ओर पर पिक्चर्स ऑप्शन पर क्लिक करें। अब किसी एक इमेज पर क्लिक करें और आखिर में ओपन बटन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि इमेज आपके डॉक्यूमेंट में प्रविष्ट हो गई है। आप इस इमेज का आकार भी बदल सकते हैं और इसे रिज्यूम के ऊपर दाएं कोने तक ड्रैग कर सकते हैं। अतः पहले इमेज पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि इमेज पर रंगित हैंडल्स दिखते हैं। किसी एक हैंडल पर कर्सर रखें और बायां माउस बटन प्रेस करें। कर्सर को ड्रैग करके इमेज का आकार बदलें। जब आकार बदल जाए, इमेज पर क्लिक करें और इसे एडिटर के ऊपरी दाएं कोने तक ड्रैग करें। क्लिपबोर्ड या स्कैनर का उपयोग करके और गैलरी से लेना इमेज प्रविष्ट करने की अन्य प्रचलित पद्धतियां हैं। अब हम सीखेंगे कि राइटर में टेबल्स कैसे प्रविष्ट करें। टेबल्स लिबर ऑफिस राइटर में उपयोगकर्ताओं को उनकी जानकारी को सारणी फॉर्म में रखने के लिए सक्षम बनाता है। अपने डॉक्यूमेंट में टेबल प्रविष्ट करने के लिए आप या तो टूल बार में टेबल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और टेबल का आकार चुन सकते हैं, या आप यह मेन्यू बार में इंसर्ट ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। अतः हेडिंग एजुकेशन डिटेल्स के नीचे टेबल प्रविष्ट करने के लिए कर्सर को इस हेडिंग के नीचे रखें। अब मेन्यू बार में इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें और फिर टेबल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। यह विविध फील्ड्स के साथ डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। नेम फील्ड में चलिए टेबल का नाम देते हैं, रिज्यूम टेबल। साइज हेडिंग के नीचे चलिए कॉलम्स की संख्या 2 रखते हैं। रोज फील्ड में ऊपरी एरो पर क्लिक करें, 4 तक रोज की संख्या बढ़ाएं। अतः कॉलम्स और रोज में अप और डाउन एरो का उपयोग करके आप टेबल का आकार बढ़ा व घटा सकते हैं। अब डायलॉग बॉक्स में ऑटो फॉर्मेट बटन पर क्लिक करें। यह नया डायलॉग बॉक्स ओपन करता है जहां आप जो प्रविष्ट करना चाहते हैं वह टेबल का प्रारूप चुन सकते हैं। राइटर प्रारूप चुनने के लिए कई ऑप्शंस देता है। हम फॉर्मेट के अंदर नन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और फिर ओके बटन पर क्लिक करते हैं। फिर से ओके बटन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि हेडिंग के नीचे 2 कॉलम और 4 रो वाला टेबल प्रविष्ट हो गया है। अब हम टेबल के अंदर कोई भी जानकारी सारणी के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप टेबल के पहले कॉलम और पहले रो में सेल के अंदर क्लिक करें। हम यहाँ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन टाइप करते हैं। अब पास के सेल पर क्लिक करें और 93% लिखें। अतः यह दिखाता है कि रमेश ने माध्यमिक स्कूल की परीक्षा में 93% अंक प्राप्त किए हैं। वैसे ही हम टेबल में अतिरिक्त शैक्षिक विवरण टाइप कर सकते हैं। सेल के ठीक नीचे सेल पर क्लिक करें जहां हमने सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन टाइप किया है। हम यहां हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन लिखते हैं और बगल के सेल में हम 88% स्कोर लिखते हैं। अगली सेल तक पहुंचने के लिए तीसरी रो में पहली सेल पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से एक सेल से दूसरी सेल पर जाने के लिए टैब की प्रेस करें। अतः टैब प्रेस करें और ग्रेजुएशन टाइप करें। बगल वाले सेल में 75% स्कोर टाइप करें
आखिरी रो में पहली सेल पर क्लिक करें, पोस्ट ग्रेजुएशन 70% टाइप करें। अंततः आखिरी रो में हम पहली सेल में पोस्ट ग्रेजुएशन हेडिंग और निकटवर्ती सेल में 70% स्कोर टाइप करते हैं। अतः देखेंगे कि टेबल शैक्षिक विवरण के साथ रिज्यूम में प्रदर्शित हो गया है। चलिए टेबल के आखिरी सेल पर कर्सर रखें। अब यदि हम टेबल के आखिरी रो के ठीक नीचे एक अतिरिक्त रो जोड़ना चाहें, तो कीबोर्ड पर टैब की प्रेस करें। आप देखेंगे कि नई रो प्रविष्ट हो गई है। टेबल के बाएं ओर पर हम पीएचडी डिग्री प्राप्त की हुई टाइप करते हैं और दाएं ओर पर हम 65% प्राप्तांक टाइप करते हैं। अतः हम देखेंगे कि टैब की एक दूसरे के नीचे नई रो को जोड़ने के लिए बहुत उपयोगी है, जब कर्सर आखिरी रो पर रखा हो। टैब और शिफ्ट टैब का उपयोग करके टेबल में सेल से सेल भी संचालन कर सकते हैं। टेबल में अन्य महत्वपूर्ण विशेषता ऑप्टिमल कॉलम विड्थ ऑप्शन है, जो कि स्वतः सेल्स के कंटेंट्स के अनुसार कॉलम की चौड़ाई तय करता है। टेबल के दूसरे या दाएं ओर के कॉलम में इस विशेषता को लागू करने के लिए पहले क्लिक करें और फिर दूसरे कॉलम में कर्सर कहीं भी रखें। अतः चलिए आखिरी सेल में टेक्स्ट के बाद 65% पर कर्सर रखें। अब मेन्यू बार में टेबल मेन्यू पर क्लिक करें और फिर ऑटोफिट ऑप्शन पर जाएं। मेन्यू में जो स्क्रीन पर दिख रहा है ऑप्टिमल कॉलम विड्थ ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि कॉलम में सेल्स के कंटेंट के अनुकूल कॉलम की चौड़ाई स्वतः ही तय होती है। उसी तरह हम टेबल में किसी भी कॉलम्स के लिए यह कर सकते हैं। आप अपने टेबल के लिए विभिन्न प्रकार के बॉर्डर्स सेट कर सकते हैं। कोई भी बॉर्डर्स ना रखने से लेकर सभी आंतरिक और बाहरी बॉर्डर्स रखने, या आपके टेबल में केवल बाहरी बॉर्डर्स रखने के लिए। इसके लिए उपयुक्त ऑप्शन चुनने के लिए मुख्य मेन्यू में टेबल टैब और टेबल प्रॉपर्टीज ऑप्शन बॉर्डर्स टैब चुनें। आगे हम सीखेंगे कि राइटर में हाइपरलिंक्स कैसे बनाए जाते हैं। उपयोगकर्ता हाइपरलिंक्स का उपयोग हाइपर टेक्स्ट को ब्राउज या देखने के लिए करता है। हाइपरलिंक्स डॉक्यूमेंट के लिए संदर्भ है कि पाठक स्वयं शुरू कर सकते हैं या वह स्वतः ही शुरू हो जाता है। हाइपरलिंक पूरे डॉक्यूमेंट को या डॉक्यूमेंट में विशेष एलिमेंट को इंगित करता है। फाइल में हाइपरलिंक बनाने से पहले हम पहले एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जो हाइपरलिंक होगा। अतः टूल बार में न्यू आइकन पर क्लिक करें। एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन होता है। अब हम इस नए डॉक्यूमेंट में हॉबीज के लिए टेबल बनाते हैं। अतः हम हॉबीज हेडिंग लिखते हैं। एंटर की प्रेस करें। चलिए एक के नीचे दूसरा कुछ शौक लिखते हैं, जैसे लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग टेबल टेनिस और पेंटिंग। चलिए इस फाइल को सेव करें। टूल बार में सेव आइकन पर क्लिक करें। नेम फील्ड में फाइल का नाम हॉबी टाइप करें। सेव इन फोल्डर में डाउन एरो पर क्लिक करें और डेस्कटॉप ऑप्शन पर क्लिक करें। अब सेव बटन पर क्लिक करें। अतः फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो गई है। अब हम इस फाइल को बंद करते हैं। चलिए अब resume.odt फाइल में हाइपरलिंक बनाते हैं जो इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा। अब हम शैक्षिक विवरण युक्त टेबल के नीचे हॉबीज हेडिंग लिखते हैं। हॉबीज टेक्स्ट हाइपरलिंक करने के लिए पहले हेडिंग हॉबीज पर कर्सर ड्रैग करके टेक्स्ट चुनें। अब मेन्यू बार में इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें और फिर हाइपरलिंक ऑप्शन पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें इंटरनेट, मेल्स और न्यूज, डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट जैसे ऑप्शंस हैं। चूंकि हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए हाइपरलिंक बना रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब पाथ फील्ड में ओपन फाइल बटन पर क्लिक करें। नए डॉक्यूमेंट पर जाने के लिए डायलॉग बॉक्स में डेस्कटॉप ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसे हमने बनाया हुआ है। अब hobby.odt ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ओपन बटन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि फाइल के लिए जगह पाथ फील्ड में प्रविष्ट हो गई है। अप्लाई फील्ड पर क्लिक करें
और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि टेक्स्ट हॉबीज रेखांकित है और यह नीले रंग में है, इसलिए टेक्स्ट अब हाइपरलिंक है। हॉबीज पर कर्सर रखें, कंट्रोल की और राइट माउस बटन प्रेस करें। अब हेडिंग हॉबीज पर कर्सर रखें और कंट्रोल की और लेफ्ट माउस बटन दोनों एक साथ प्रेस करें। आप देखेंगे कि हॉबीज युक्त फाइल ओपन होती है। उसी तरह आप इमेजेस और वेबसाइट्स के लिए भी हाइपरलिंक बना सकते हैं। अब हम लिबर ऑफिस राइटर पर स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आते हैं। संक्षिप्त में बताते हैं कि हमने क्या सीखा। डॉक्यूमेंट में इमेज फाइल प्रविष्ट करना, राइटर में टेबल प्रविष्ट करना, राइटर में हाइपरलिंक्स प्रविष्ट करना, स्लाइड संख्या 7 देखें, व्यापक नियत कार्य practice.odt ओपन करें, फाइल में एक इमेज प्रविष्ट करें, दो कॉलम और तीन रोज के साथ टेबल प्रविष्ट करें। www.google.com वेबसाइट ओपन करने के लिए हाइपरलिंक बनाएं जब आप फाइल में इमेज पर क्लिक करें। निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का सार देता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके वर्कशॉप्स आयोजित करते हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं हम उन्हें सर्टिफिकेट भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें contact@spoken-tutorial.org पर संपर्क करें। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे भारत सरकार के MHRD मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने ICT के माध्यम से समर्थित किया है। अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है, spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है तथा IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।